आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है सर। मुझे ख्याल है कि जुलाई के, इसी जुलाई के तीसरे सप्ताह में एक रिपोर्ट आई थी सर। उस रिपोर्ट में बतलाया गया कि घटिया शिक्षा के मामले में, वर्स एजुकेशन के मामले में वर्ल्ड के टॉप 12 देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। आजादी के अमृत महोत्सव पर नरेंद्र मोदी जी ने जो है आपका लाल किले से जो है एक बड़ा आह्वान किया कि देश को विकसित बनाने के लिए जो हम 5 संकल्प लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने जब 5 संकल्प की बात किया, उन्होंने घर घर जो झंडे टंगवाए, ये बात कही जाए मुझे सर बड़ा ये टच की, पिंच की, आघात पहुंचाई। क्योंकि आजादी के 75 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ सर जो हमारे वंचित समझो बहुजनों के लिए जो है अमृत जैसा शब्द जोड़ा जा सके। 2000 के बाद से किताबें पर किताबें मेरी आने लगी, तो विवेक सर ने मेरी कुछ किताबों पर नजर दौड़ाया और लेखों का अंदाज देखा, तो वो कहे कि आप तो पन्ने पर पन्ने रंगे जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक संशोधन की जरूरत। मैंने कहा क्या? वो बोले कि आपको सब टाइटल बनाना पड़ेगा। तो सब टाइटल का जो सुझाव दिया सर ना, उससे मेरी किताबों में बहुत काफी असर पैदा हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि एस के विश्वास, चंद्रभान प्रसाद, उर्मिलेश जी, प्रोफेसर विवेक कुमार, परवर्ती काल में आप जैसे लोगों का जो है मेरे जीवन में आना जो है के 25 साल के लेखन की यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि गई, और इसका मेरे लेखन पर जो है बहुत ही अच्छा असर पड़ा। खास मुलाकात दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज खास मुलाकात में बहुत दिनों बाद एक खास शख्सियत है, डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया, ऑथर, राइटर, एक्टिविस्ट, संपादक, पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं आप, ऑल इन वन। दिखने में आपको सफेद बाल और दाढ़ी जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन ही इज नॉट एन ओल्ड मैन, विचारों से अभी भी नौजवान है। मैं बात कर रहा हूं एचएल दुसाद साहब की। जी और अभी अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने राइटिंग्स का, लेखन का सिल्वर जुबली फंक्शन किया था, पार्टी दी थी उन्होंने, दावत। और दावत में मैं भी था, दिलीप मंडल साहब थे, शंभु कुमार थे नेशनल दस्तक वाले, जाटव साहब थे, जब भगवान जाटव, तमाम कई लोग वहां पे मौजूद थे, इसमें था। आज ये चूंकि डाइवर्सिटी मैन है, पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने बनाई है, तो आज बहुत दिनों बाद अंबेडकर नामा में है, तो ये समझने की और जानने की कोशिश करूंगा कि जो 25 साल का राइटिंग का सफर है वो कैसा है, क्या है, क्या उन्होंने देखा है, क्या समझा है, क्या लिखा है। और अभी अभी उस दिन जब पार्टी में था तो इन्होंने एक नई किताब उस दिन प्रकाशित की, जिसका उस समय लॉन्च भी किया गया था, काफी चर्चा में है किताब, और कई यूट्यूब चैनल्स में इनके इंटरव्यू आए हैं उस किताब को लेकर। उसमें भी चर्चा करेंगे, राजनीति पे भी चर्चा करेंगे, देश के मिजाज पे भी चर्चा करेंगे, बहुजन राजनीति की चर्चा करेंगे, और पिछले 8 अक्टूबर रामविलास पासवान जी का परिनिर्वाण दिवस है, जी। 9 अक्टूबर माननीय कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस है, और 10 अक्टूबर मुलायम सिंह यादव का परिनिर्वाण दिवस। तीन सामाजिक न्याय के योद्धा, सेक्युलरिज्म के योद्धा, 8, 9, 10, उस पर भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दुसाद साहब ने बहुत नजदीकी से इनके एक्शन रिएक्शन, इनके पॉलिटिक्स को देखा है, उस नब्ज को समझते हैं, थोड़ा सा उसमें भी चर्चा होगी। इसलिए पूरा वीडियो आप देखिए, शेयर और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि अंबेडकर नामा, आप जानते हैं, यहाँ मन की बात नहीं होती है, काम की बात होती है, लगातार हम लोग विभिन्न मुद्दों को उठाते रहते हैं। इसलिए बहुत दिनों बाद मैंने आज दुसाद साहब को आग्रह किया था कि आप आए अंबेडकर नामा पर अपनी बात रखें। स्वागत है दुसाद साहब आपका। थैंक्स सर। सबसे पहले तो सरदार पार्टी दी थी, मैं थोड़ी देर आपके चैनल के दर्शकों का मैं अभिवादन करना चाहता हूँ।
बहुत दिनों जी बाद जो है इस चैनल पर आने का मौका मिला, तो आपने जो अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, कहें आप तो जो आप बहुत बिजी रहते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि चैनल आपको कुछ ही बोलना है, मुझे जस्ट गिव मी अ रिंग, लेकिन अब मुझे बार बार फोन करना पड़ता है, मेरी क्लासेस भी होती है, कॉलेज का एंगेजमेंट है, सार्वजनिक जीवन में भी एंगेजमेंट है, तो मैं कितना फोन कर पाऊंगा किस समय मुझे पता नहीं होता है। मैंने अपने सारे बहुत बहुत साथियों को कहा है कि जब भी आपको मन करे कि इस मुद्दे पे बहस करनी है, बात जानी चाहिए, तो जस्ट गिव मी अ कॉल और अंबेडकर नामा आपके सेवा में हाजिर है। बहरहाल सर, आपने जो मेरे 25 साल के लेखन के सफर में जिज्ञासा प्रकट की है, उस पर मैं 2 शब्दों में कहना चाहूंगा कुछ। सबसे पहले तो मैं पुनः आपको और आपके साथ आए तमाम अपने वरिष्ठ लेखकों का मैं आभार प्रकट करूंगा कि 17 सितंबर 2022 को मेरे लेखन के 25 साल पूरे हुए, और अगले ही जी दिन मेरे आह्वान पर आप लोग आए और हम लोगों ने साथ मिलकर के जो है उस अवसर पर रिलीज हुई एक नई किताब को आपके बीच रिलीज किया है, और मिल बैठ करके हम लोगों ने देश और समाज की राजनीति पर चर्चा किया। तो सर, 25 साल पहले जो यह है मेरा लेखन का शुरुआत होता है, मैंने वो ड्रीम नहीं देखा था सर कि कभी मैं लेखन में आऊंगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि मुझे लेखन में उतरना पड़ा। और उसके लिए जो मुझे सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मिला वो है इश्क विश्वास। इश्क अच्छा विश्वास की एक किताब बांग्ला में आई थी सर 1994 में। किताब का नाम था भारतीय समाज उन्नयन धारा और डॉक्टर अंबेडकर। इस किताब ने मेरे जीवन की धारा ही बदल दी सर। उसके पहले मुझे 1980 से 85 तक जो है किताबों के समंदर में वास करने का मौका मिला। मैं बंगाल में था, एक बड़ी ही रीच लाइब्रेरी की जिम्मेवारी मुझ पर थी। लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदना, पाठकों को जो है किताबें सर्व करना, ये मेरी ड्यूटी रही 5 सालों तक। तो समंदर की किताबों के समंदर में मुझे जो है तैरते रहने का अवसर मिला सर। तो मैंने अपने जीवन में देश विदेश की बेहिसाब किताबें पढ़ी सर, किंतु एसके विश्वास की जो किताब 1994 में आती है, वो किताब ने मुझे पहली बार फील कराया कि यस, किताबों के द्वारा दुनिया बदली जा सकती है। इसके पहले मेरे लिए किताबें बस एक क्या थी, स्वस्थ मनोरंजन का जरिया थी, अच्छा इंसान बनाने का माध्यम थी, लेकिन किताबों से दुनिया बदली जा सकती है, ऐसी कोई किताब जो पहली बार मेरे नजर के सामने आई वो एसके विश्वास की बांग्ला वाली किताब थी। और वहीं से जो है मुझ में समाज को कंट्रीब्यूट करने के लिए लेखक बनने की भावना पैदा हुई। हालांकि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा था, लेकिन लेखक बनने का साहस नहीं हुआ, तो मगर उस किताब ने मजबूर किया कि इस दिशा मुझे कुछ प्रयास करना चाहिए। तो इसके विश्वास साहब से इंस्पायर्ड होकर के मैं सर 17 सितंबर 1997 को जब आजादी का 50वां साल मनाया, गोल्डन जुबली मनाया जाता, उसी साल हमने जो है 17 सितंबर पेरियार की जयंती का अवसर पर कलम पकड़ा, और ये अब जाकर के 2022 के 17 सितंबर को उसके 25 साल पूरे हो गए। इन 25 सालों में काफी कुछ जो है जो अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करने की मैंने कोशिश किया, और इसमें बड़ा योगदान जो था सर जो है मेरे बड़े बड़े लेखकों का था जो मेरे जीवन में आए। मसलन इसके विश्वास से अगर मुझे लेखक बनने की प्रेरणा मिलती है सर, तो सन 2002 में वह उनसे प्रेरित होकर के जो मैं पहली किताब लिखता हूँ आदि भारत मुक्ति बहुजन समाज, वो 674 पेज की किताब थी, एक लेटर का रिप्लाई था। तो उस किताब के रिलीज होने के बाद से चंद्रभान जी ने मुझसे जो है आगे की परियोजना पर चर्चा करना शुरू किया। तो मैंने बताया कि देखिए मैं दिल्ली आया था इस किताब के लिए, ये किताब तैयार हो गई है, अब मैं चलूंगा लखनऊ और वहां बैठ के इस किताब को 6 खंडों में लिखना है, 6,000 पेज में लिखना है। तो मेरे इस प्लान पर जो है वो ये है मजाक उड़ाना शुरू किए। उन्होंने बार बार कहना शुरू किया कि आप 3 सालों में एक किताब लिखेंगे, किताब बड़ी मुश्किल से 300 से 400 लोगों तक जाएगी, 1,000 लोगों तक जाएगी, उससे समाज पर कितना असर पड़ेगा, डे टू डे जो समाज में समस्याएं खड़ी हो रही है उस पर आपको मार्गदर्शन करना चाहिए, माने कंटेम्प्रोरी इश्यूज पर आपको राइटिंग करनी चाहिए। तो मेरे साथ एक समस्या रही है बचपन से सर कि मैं जो है एडिटोरियल पेज का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, संपादकीय पेज पर जो लेख छपते हैं उस पर लिखने वाले लेखक मेरे लिए सुपर लेखक है,
तो चंद्रभान जी जब बार बार जो है मुझे उस संपादकीय पेज पर लिखने का आह्वान करने लगे तो बड़ा अजीब लगता था कि मैं कैसे वो चीजें लिख सकता हूँ। मैं किताब तो लिख सकता हूँ लेकिन कंटेम्प्रोरी इश्यूज पर नहीं लिख सकता। लेकिन इतना उन्होंने पिंचिन किया, इतना उन्होंने पिंच किया सर, कि 2000 के सितंबर महीने में 3 दिन में मैंने 10 आर्टिकल लिख डाले। अरे 10 दिनों में 3 आर्टिकल लिख दिए। अब आर्टिकल तो मैं लिख दिया लेकिन अखबार के संपादकों तक कैसे पहुंचाया जाए इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। उन दिनों मैं चंद्रभान जी का सहयोगी हुआ करता था, असिस्टेंट हुआ करता था। उनके लिए लाइब्रेरी से किताबें लाना, उनके लेख अखबारों में पहुंचाना, ये मेरा ड्यूटी हुआ करता था। तो इसी क्रम में मुझे एक दिन जो है हिंदुस्तान बिल्डिंग जाना पड़ा। चंद्रभान जी का उर्मिलेश सर से कुछ काम था तो कहे कि जरा करके आइए। तो उनसे मिल करके जो चंद्रभान जी का दिया हुआ जिम्मेवारी था मैं निभा दिया। श्री उर्मिलेश जी मुझे छोड़ने के लिए हिंदुस्तान बिल्डिंग के नीचे आए। तो जब मैं उनसे विदा लेने लगा तो सब चाहते एक सवाल मैंने किया। मैंने कहा कि सर मैंने 3 आर्टिकल लिखे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आर्टिकल जो है अखबार के संपादकों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। उर्मिलेश साहब कहे कि आप वो जरा मुझे आर्टिकल दिखलाइए, मैं 5 मिनट देखता हूँ फिर मैं बताता हूँ। आर्टिकल मेरे झोले में था, मैंने उनको निकाल के दे दिया। ठीक 5 मिनट उन्होंने सर देखा और देखने के बाद से जो है वो तीनों आर्टिकल रख लिए। रखने के साथ उन्होंने कहा कि आप जाइए, एक सप्ताह के अंदर यदि आर्टिकल न छपे फिर मुझसे संपर्क कीजिएगा, फिर मैं बतलाऊंगा कि कैसे जो है अखबार के संपादकों तक पहुंचाना है। तो उन्होंने जिस अंदाज में रखा सर ना, मुझे लगा कि जो है बात बन सकती। अगले दिन मुझे अपने गांव आना था, देवरिया जिला। तो देवरिया आने के बाद से सर अगले दिन से मैं हिंदुस्तान अखबार खरीद करके एडिटोरियल पेज लगा देता। इसी क्रम में जो है 12 अक्टूबर को मेरा उसमें लेख छपता और मैं देख करके अचंभित रह जाता हूँ। उन दिनों जो सन 2000 में हिंदुस्तान में लेख छपना बड़ी बात थी क्योंकि उसकी रीडर्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, बड़े खास लोग ही उसमें छपते थे। लेकिन जब मेरा पहला लेख छपा उसके बाद से तो सर अपना कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसके बाद से तो मैं पत्रकारी लेखन में डूब गया और बहुत कुछ उसमें किया। इसी क्रम में सर जो है एक मुलाकात प्रोफेसर विवेक कुमार सर से होती है। 2000 के बाद से किताबें पर किताबें मेरी आने लगी तो विवेक सर ने मेरी कुछ किताबों पर नजर दौड़ाया और लेखों का अंदाज देखा तो वो कहे कि आप तो पन्ने पर पन्ने रंगे जा रहे हैं लेकिन इसमें एक संशोधन की जरूरत। मैंने कहा क्या? वो बोले कि आपको सब टाइटल बनाना पड़ेगा। तो सब टाइटल का जो सुझाव दिया सर ना, उससे मेरी किताबों में बहुत काफी असर पैदा हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि एस के विश्वास, चंद्रभान प्रसाद, उर्मिलेश जी, प्रोफेसर विवेक कुमार, परवर्ती काल में आप जैसे लोगों का जो है मेरे जीवन में आना जो है इस चिलदुशात के 25 साल के लेखन की यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि गई और इसका मेरे लेखन पर जो है बहुत ही अच्छा असर पड़ा। आज मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। बहरहाल एक सुखद संयोग कहा जाएगा कि 17 सितंबर 2022 को जब हमारे लेखन के 25 साल पूरे हुए उसी दिन सर जो है मेरी 50वीं 85 नंबर बुक्स आती है, 80 पेज की बुक्स है। इसी बुक्स को जो है जापों के बीच रिलीज करने के लिए मैंने 18 तारीख का एक आयोजन किया था, आप लोग आए और मुझे धन्य किए सर। ये है वो किताब, किताब का नाम है सर आजादी के अमृत महोत्सव पर बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की अभिनव परिकल्पना। इस किताब से सर मैं इतना ये है रिलीज होने के बाद से और कंटेंट से मैं इतना संतुष्ट हुआ कि मैंने फेसबुक पर लिख डाला कि अब मैं लेखन से एक तरीके से संन्यास लेने जा रहा हूं। कारण कि जो कुछ मुझे समाज को देना था, बहुजन लिबरेशन के लिए देना था, वो सारा कुछ जो है इस किताब में दे दिया हूँ। इसके बाद कुछ नहीं बचता है। अब मेरा यही प्लान है कि किसी तरह ये किताब जो है 1 लाख लोगों तक पहुंचाई जाए। इसी क्रम में सर जो है क्या नाम है, अभी मैं पिछले दिनों वहां गया था, नागपुर की दीक्षा भूमि में गया था और इस किताब की 200 कॉपी लेकर के गया था सर। भारी जी खुशी की बात है कि हमारे पाठकों ने जो इस किताब का जबरदस्त स्वागत किया और लगभग 150 कॉपी सर वहां बिक गई। तो इस पर लोगों की जब प्रतिक्रिया आ रही है और जिस तरीके से लोग एनर्जी दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि जब 25वें साल के अवसर पर जो ये किताब आई है और जिसे मैं अपनी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट किताब मानता हूँ, मेरे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगी और
इसका जो है समाज को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा सर यह है, विश्वास है। दुसाल साहब, जी सर। इस किताब में क्या खास बात है ऐसी? हाँ कौन सी परिकल्पना है? क्या नई बात आपने कही है? आपकी लेटेस्ट किताब है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने सवाल किया सर। इस किताब की लिखने की एक जो है बड़ी खास पृष्ठभूमि है, और मैं फटाफट जो इसे 15 दिन के अंदर लिख दिया। हुआ ये सर कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में मुझे मशहूर पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी ने एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा, लोकतंत्र का भविष्य नाम का वो आर्टिकल था। वो कहे कि इस किताब को जो है आपके आर्टिकल को हम किताब में शामिल करेंगे और इसे हमारे प्रकाशन से प्रकाशित किया जाएगा। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उनके आदेश को जो है ठुकरा न सका और लिखने लगा। तो थोड़े से दिनों में मैंने इस आर्टिकल के 3,000 शब्द लिख लिए। लिखने के बाद से मैंने सूचना दिया कि सर आपने जो सुझाव दिया उस हिसाब से मैं आर्टिकल लिख लिया हूँ, अब इसे मैं भेजना चाहता हूँ, ये 3,000 शब्दों की आर्टिकल बनी है। तो उन्होंने कहा कि दुसाद जी जरा 1,000 शब्द और बढ़ा दीजिए। तो मैं जब 1,000 शब्द और बढ़ाने लगा सर ना, तो लगा कि इसमें तो ये बहुत खास सामग्री आ सकती है, बड़ा अच्छा इससे कंटेंट बन सकता है। उन्हीं दिनों सर जो है देखते देखते ये 15 अगस्त का दिन आ गया, 15 अगस्त 2022, जब आजादी के 75 साल पूरे होते हैं। इस अवसर पर देश में जो है एक अजीब तरीके से जो है इसका जश्न मनाया गया और इसका नाम दिया गया आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव पर नरेंद्र मोदी जी ने जो है आपका लाल किले से जो है एक बड़ा आह्वान किया कि देश को विकसित बनाने के लिए जो हम 5 संकल्प लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने जब 5 संकल्प की बात किया, उन्होंने घर घर जो झंडे टंगवाए, ये बात कही जो है मुझे सर बड़ा ये टच की, पिंच की, आघात पहुंचाई। क्योंकि आजादी के 75 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ सर जो हमारे वंचित समझो बहुजनों के लिए जो है अमृत जैसा शब्द जोड़ा जा सके। तो मैं ये प्रधानमंत्री मोदी की जो है ये जो आह्वान है, प्रयास है, और जिस तरीके से इस आजादी के 75 साल को हाईलाइट किया, इसी से मैं प्रेरित होकर के सर नए सिरे से मैंने आजादी के 75 सालों का लेखा जोखा निकाला इस किताब इस किताब में पिछले 75। ये जो नई किताब आई है सर, इसमें जी एक्चुअल आजादी के 75 सालों का लेखा जोखा है। इसे एक सुखद संयोग कह सकते हैं सर कि जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने आजादी के गोल्डन जुबली ईयर पर 1997 मनाया गया, आजादी के गोल्डन जुबली ईयर पर 1997 में लेखन की शुरुआत किया, पहली बार आदि भारत मुक्ति बहुजन समाज किताब लिखा। और एक सुखद संयोग एक है कि आजादी के 75वें साल पर जो है मेरे समक्ष जो है ना मोदी जी ने वो हालात पैदा कर दिया कि नए सिरे से मुझे आजादी के 75 सालों का लेखा जोखा निकालना पड़ा। अब सर इस किताब में मुख्यतः आजादी के 75 सालों का असेसमेंट किया गया है। जो तथ्य उभर के आए हैं सर उससे ये बिल्कुल साफ है कि आजादी जो आजादी के 75 साल के साथ जो अमृत शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा था, ये अमृत जो है हमारे बहुजन समाज के लिए शब्द जो है मजाक है। क्योंकि आजादी के 75 सालों में यदि अमृत का घड़ा मिला तो सर उस अमृत के घड़े से कुछ बूंदे ही जो है बहुजन वंचित समाज के हिस्से में आई है। तो मैं ये असेसमेंट करके देखा तो हैरान रह गया सर कि जो है कुछ नहीं आया इन 75 सालों में। जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि आजादी के बाद से देश कहाँ से कहाँ चला गया, विश्व महाशक्ति बन गया, मैं जब इस किताब को लिखना शुरू किया तो देख करके सर दंग रह गया इस देश को 75 सालों में कहाँ पहुंचा दिया गया। ये किताब बतलाती है सर कि आजादी के 75 सालों के बाद देश की जो बिलो 50 से 60% आबादी है सर, नीचे की जो 50 से 60% आबादी है, वो महज 6% वेल्थ पर सर्वाइव करने के लिए विवश है। और देश की जो टॉप 10% आबादी है सर, वो ऑलमोस्ट 80 से 90% जो है एवरी सेक्टर में जो है सुख सुविधाओं का भोग कर रही है, अमृत जो है शक्कर के पी रही है। ये किताब बतलाती है सर कि भारत के वर्तमान हुक्मरान बड़े बड़े दावे कर रहे हैं सर, लेकिन एजुकेशन के मामले में जो है जो ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है सर, मुझे ख्याल है कि जुलाई के इसी जुलाई के 3रे सप्ताह में एक रिपोर्ट आई थी सर
उस रिपोर्ट में बतलाया गया कि घटिया शिक्षा के मामले में, वर्स एजुकेशन के मामले में वर्ल्ड के टॉप 12 देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मलावी नाम का एक कोई अनजान छोटा मोटा देश है, दूसरे नंबर पर जो है आपका भारत है। गर्व की बात करते हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में जो है वर्ल्ड के आप कह सकते हैं कि नंबर 2 पर जो है ये देश जीत चुका है। उन्हीं दिनों सर जो है एक और रिपोर्ट प्रकाशित होती है, जुलाई में ही आई थी, नाइजीरिया, गरीबी के मामले में नाइजीरिया जो इस देश का टॉप देश था, लेकिन अजीब दुनिया हालात, इस दुनिया का सबसे टॉप, हाँ नंबर 1 पर था सर, गरीबी के मामले में नाइजीरिया जो है नंबर 1 पर चल रहा था। लेकिन जिन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न में आप डूबे थे, उन्हीं दिनों एक रिपोर्ट आती है कि भारत जो है अब गरीबी के मामले में नाइजीरिया पे करके विश्व का नंबर 1 देश हो चुका है। तो आप एजुकेशन के मामले में सबसे निचले पायदान पर चले गए हो, आप जो है गरीबी के मामले में जो है टॉप का स्थान खिताब यह कर लिए हो। लेकिन सबसे जो ज्यादा जो बात मुझे जो पीड़ित किया और जो तथ्य इस किताब में उभर के आया है, सर पिछले 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी सर, ग्लोबल जेंडर गैप का रिपोर्ट, इस रिपोर्ट ने मुझे स्तब्ध कर दिया। आपको जानकारी है सर कि 2006 से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से हर वर्ष जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में स्त्री और पुरुषों के मध्य जो असमानता है उसका आकलन किया जाता है। तो 2020 की रिपोर्ट में बताया था कि भारत की आधी आबादी को आर्थिक रूप से पुरुषों के बराबर पहुंचने में 257 साल लगेंगे सर, 257 अनइंडिंग ईयर सर। अनइंडिंग में इस दावे के साथ कह रहा हूं सर कि 2019 की जो आई थी ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट, उसमें बतलाया गया था कि भारत की आधी आबादी को आर्थिक रूप से पुरुषों के बराबर आने में आपका 202 साल लग रहे हैं। लेकिन एक साल में जो है गैप 202 से बढ़कर के 55 साल और बढ़ जाता है। अच्छा, इसी बीच में सर एक और रिपोर्ट आई थी जो हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आती है सर, उस रिपोर्ट के साथ भारत के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक टास्क दिया था कि एवरी सेकेंड में 5 व्यक्तियों को आपको गरीबी रेखा से ऊपर करना है, 1 सेकेंड में 5 व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालने की पॉलिसी आपको बनानी है। रिजल्ट क्या आता है कि देखा गया है कि 1 सेकेंड में महज 2 व्यक्ति जो है गरीबी रेखा से उभरे हैं। इसका मतलब कि भारत सरकार का जो टारगेट था, टारगेट हिट करने में सरकार जो है 50% से ज्यादा विफल रही है। तो वही आजादी के अमृत महोत्सव पर जो ये किताब असेसमेंट करती है तो पाती है कि एजुकेशन के मामले में भारत जो है विश्व में सबसे जो है निचले पायदान पर चला गया है। ये जो है आपका गरीबी के मामले में नंबर 1 का खिताब अर्जित कर लिया है, और सबसे बड़ी बात है जो सब लैंगिक असमानता के मामले पर तो इसने जो सारी हदें ही तोड़ दी है। अब ये बताया सर कि जिस देश साहब जी सर, आप कह रहे हैं कि शिक्षा के मामले में सबसे पीछे है दुनिया में, और भारत विश्व गुरु बनने का दावा कर रहा है, गरीबी में सबसे पीछे है, नंबर 1 है मतलब गरीबी में, आर्थिक और दुनिया का सबसे अमीर आदमी भारत में रह रहा है। ये पैराडॉक्स नहीं है? तो सर ये जो 75 सालों का जो आकलन किया गया तो ये स्थिति दिखाई पड़ती है सर। तो कुल मिला करके जब हम देखते हैं कि जो 75 सालों में जो अमृत मिला आजादी का, उसकी महज कुछ बूंदे ही जो है हमारे वंचित बहुजनों को मिली। और वो किस लिए मिली? वो इसलिए मिली सर ना कि आजादी के बाद के शुरुआत के 50-60 सालों तक जिनके हाथ में देश की सत्ता आई उनको आजादी के संघर्षों का वादा याद था। जो अंग्रेजों के खिलाफ लिबरेशन की लड़ाई लड़ी गई सर, उसमें जो है एक संकल्प था कि देश जब आजाद होगा तो हर तबकों को जो है उसको खुशहाली में शरीक बनाया जाएगा, तमाम चीजों में अवसर देकर के उसको जो है बराबरी में लाया जाएगा। तो आजादी के वादों को ध्यान में रखते हुए नई सदी के पहले के जो शासक हैं उन्होंने बहुजनों को कुछ कुछ दिया, आरक्षण दिया और भी तमाम सुविधाएं दिया, बहुत कुछ हुआ, नेशनलाइज इत्यादि होता है। लेकिन सर जो है यह स्थिति बिगड़ जाती है 7 अगस्त 1990 को,
जब 7 अगस्त 1990 को मंडल की रिपोर्ट प्रकाशित होती है सर, उस रिपोर्ट से जो है उसके बाद से इस देश का जो प्रिविलेजेस तबका है, हजारों साल का सुविधा भोगी तबका है, जो हिंदू आरक्षण का सुविधा भोगी तबका, वो आरक्षण के खात्मे में जुट जाता है सर। 7 अगस्त के बाद से भारत का सिनेरियो बदल जाता है। भारत का जो शासक वर्ग आजादी के वादों को ध्यान में रखते हुए वंचित बहुजनों के लिए कुछ कर रहा था, वो बिल्कुल जो है शत्रु की भूमिका में आ गया। उसके बाद से जितने भी इनके जो है आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, इनके पूंजीपति हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, सारी की सारी ये सब चीजें जो है ये आपका आरक्षण के खात्मे में जुट जाती है। और ये आरक्षण के खात्मे में जुटने के बाद से आप देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या होता है। हाँ, इसी क्रम में जो है 7 अगस्त को जब मंडल की रिपोर्ट होती है तो तमाम जो आरक्षण के खात्मे में जुटते हैं उसी क्रम में जो है संघ परिवार का जो राजनीतिक संगठन है भाजपा, मंदिर आंदोलन छेड़ देता है। और मंदिर आंदोलन के फलस्वरूप जो क्या इस देश में अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल क्षेत्र में उनकी जो एक तानाशाही सत्ता काम हो चुकी है। और इस तानाशाही सत्ता का इस्तेमाल उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के खात्मे में किया है, बहुजनों को जो है ये बिल्कुल ध्वस्त करने में किया है। तो इससे जो है 7 अगस्त बाद के जो शासक दलों ने जो पॉलिसी अख्तियार की सर, उसके फलस्वरूप आपका बहुजन समाज जो सर पूरी तरीके से गुलामों की स्थिति में पहुंच गया है। मैंने कई चैनलों में कहा है सर, मैंने कई चैनलों पर लिखा है कि मंडल के बाद आरक्षण के खात्मे के तहत इस देश के शासक वर्गों ने जो पॉलिसी अख्तियार की है सर, उसके फलस्वरूप बहुजन समाज उस स्टेज में पहुंच चुका है जिस स्टेज में सारी दुनिया में लिबरेशन की लड़ाई लड़ी जाती है। बहुजनों को जिस स्टेज में पहुंचा दिया गया, इसी स्टेज में भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसी स्टेज में मंडेला के लोगों ने गोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सारी दुनिया में जो इंपीरियलिज्म के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लिबरेशन की लड़ाई लड़ी गई सर, वो स्टेज में जिस स्टेज में लड़ी गई उसी स्टेज में जो है हम आज पहुंच चुके हैं। आजादी के 75 वर्षों बाद जो है ये किताब जो कहानी बताती है, तो अब जो है ये किताब जो है उसके बाद से जब देख रही है कि हम ये बिल्कुल गुलामों की स्थिति में पहुंचा दिए गए हैं, ये गुलामी से मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए जो है अगले 25 सालों का एजेंडा पेश करती है। मोदी जी ने 15 अगस्त को वहां के लाल किले से कहा था कि देश को विकसित बनाने के लिए 5 संकल्प लेना है, उन्होंने 5 संकल्प की बात की है। तो उसी से प्रेरित होकर के इस किताब में सर जो है अगले 25 साल अर्थात 2047 साल तक का एक एजेंडा पेश किया गया है सर। और हम क्वाइट कॉन्फिडेंट है कि जो है ये जो आया है उससे बात बनेगी। अब सर 1 मिनट दूंगा आपको उस सवाल पर, आपने पूछा है कि इस किताब में नई परिकल्पना क्या है। किताब का नाम तो यह है ना कि बहुजन डाइवर्सिटी की अभिनव परिकल्पना, माने एक यूनिक प्लान। वो यूनिक प्लान क्या है, आपकी जो जिज्ञासा, यही जिज्ञासा बहुत से लोगों ने हमारे सामने रखी सर। यूनिक प्लान क्या है कि इस देश में जो बहुजनों को गुलामों की स्थिति में पहुंचने की स्थिति आई है सर, वो इसलिए आई है कि आजाद भारत के शासकों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस चेतावनी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जो उन्होंने 25 नवंबर 1949 को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल से दिया था। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 से हम एक एडवर्स लाइफ में प्रवेश करने जा रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में मिलेगी समानता लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मिलेगी भीषण गैर बराबरी, हमें नियर मोस्ट फ्यूचर में इस गैर बराबरी का खात्मा कर लेना पड़ेगा, नहीं तो विषमता से पीड़ित जनता जो है डेमोक्रेसी के परखचे उड़ा देगी। अफसोस की बात है सर कि आजाद भारत की सत्ता जिनके हाथ में आई वो अपने वर्णवादी सोच के कारण, वो अपने जातिवादी सोच के कारण जो आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे लायक पॉलिसी ही नहीं बना। ऐसा करने के लिए उन्हें जितने भी शक्ति के स्रोत हैं सर, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक, ये जो है वेरियस सोशल ग्रुप्स और उनकी महिलाओं के मध्य बांटना पड़ता, उन्होंने नहीं बांटा। न बांटने का नतीजा होता है कि हजारों साल का सुविधा भोगी वर्ग उसके हाथ में 80 से 90% सोशल पावर चले जाते हैं और भारत में जो आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की बेहिसाब स्थिति पैदा हो जाती है, बहुजन गुलाम बन जाता है। तो आर्थिक और सामाजिक मेन जो है सर अपना इस किताब में जो ये किया गया कैसे जो है
बाबा साहब ने जिस आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे का आह्वान किया था उसका खात्मा। इसमें हमने सर बहुत सा अध्ययन किया है। नॉर्डिक के इकोनॉमिक मॉडल बनाया जाता है सर, जो नॉर्वे इत्यादि के देश थे, नॉर्विक मॉडल से लेकर के दुनिया भर के कई कंट्रियों में जो डेवलपमेंट का मॉडल है, सारी चीजों का अध्ययन करते हुए बतलाया गया है कि भारत से आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मा का जो बेहतरीन सूत्र आ सकता है वो बहुजन डाइवर्सिटी का 3 पॉइंट एजेंडा है। तो अब नई परिकल्पना ये आई है सर कि ये किताब बतलाती है कि भारत में जो आर्थिक और सामाजिक विषमता का एक एवरेस्ट खड़ा हुआ है सर, उसके लिए जिम्मेवार इस देश का जो है रूलिंग क्लास का सुविधा भोगी वर्ग के पुरुष से, अर्थात सुविधा भोगी वर्ग की संख्या अगर 15% है तो 7.5% पुरुष समुदाय ने जो है शक्ति के तमाम स्रोतों पर, सप्लाई, डीलरशिप, फिल्म, टीवी, मीडिया, जमीन जायदाद, मंत्रिमंडल, तमाम क्षेत्रों पर जो है कब्जा जमा कर इसकी समस्या का जन्म दिया। तो इसमें जो पहला जो सुझाव है शरार्थिक और सामाजिक विषमता से खात्मे का, बहुजनों को जो है गुलामी से लिबरेट करने का, वो पहला प्लान ये है कि इस देश का जो रूलिंग क्लास का जो ये पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग को उसके संख्या अनुपात पर सीमित कर दो। जितने भी अवसर सृष्ट होते हैं आपका विभिन्न क्षेत्रों में, एजुकेशन सेक्टर में, ट्रेड एंड कॉमर्स में, सर्विस सेक्टर में, जितने भी अवसर होते हैं उन अवसरों को 7.5% इनको दे दो। इनको देने के बाद जो है सर आपका 60 से 70% सरप्लस अवसर हो जाएंगे, इनके हिस्से का 60 से 70% अवसर तैयार हो जाएगा। अब ये जो सरप्लस अवसर है उन्हें वंचितों में बांटना, लेकिन वंचितों में बांटते समय जो है सर ये किताब इस बात को इम्फेसाइज करती है कि जो 60 से 70% सरप्लस अवसर होते हैं उसे सबसे पहले महिलाओं में बांटना पड़ेगा सर, क्योंकि ये किताब किताब पढ़े हैं कैसे लोग, क्या सब सर बात कह रहे हैं किताब पढ़े हैं कैसे लोग नहीं बता रहे सर। इसमें मुख्य चीज है सर हमें जो है जो आपको कहना हो, ये किताब बतलाते एक साधे सभी सदे, माने एक ऐसा टारगेट लीजिए जिसके जरिए आपकी सारी समस्याओं का हल हो सकता है। ये किताब बहुत गंभीरता के साथ जो है महिलाओं की साथी आबादी को हाईलाइट करती है। तो अपना यही कहना है कि जो 60 से 70% सरप्लस अवसर बचते हैं उसका बंटवारा सबसे पहले जो है वंचित समाज की महिलाओं के मध्य, मसलन जो है एससी का जितना भी आता है, एससी के 15% एससी होते, एससी का जो 7.5% शेयर है, कोई वैकेंसी निकलती है तो प्रायोरिटी के साथ एससी की महिलाओं को आप दे, इनके बाद का बचा हुआ उसको दे दो। दूसरे नंबर पर आदिवासी है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक, तो हर समुदाय के हिस्से की जो अपॉर्चुनिटी है सबसे पहले सर उसके आधी आबादी को दो। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये किताब दावा करती है कि 257 सालों के बाद जो है भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से पुरुषों के बराबर जो है आप सिर्फ 57 साल में ला सकते हैं। तो इस लड़ाई के लिए लड़ाई की जो परिकल्पना की गई है वो है सर एक यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट की बात कही गई है। आगे क्या है सर? ठीक है, यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट आपने नया आइडिया दिया है और हम लोग पढ़ रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं। आखिरकार ऑल दीज इश्यूज आर पॉलिटिकल इश्यूज, है ना, राजनीतिक सवाल है और इसको राजनीतिक रूप से ही हल करना पड़ेगा। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई है, क्या चल रहा है आपके पार्टी, या कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, किस स्टेज पे है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। मुझे मैं चिराभारी रहूंगा कि एक समय मैं साल भर पहले से ही जो चलना पॉलिटिकल पार्टी बनाने की तैयारी में था और काफी हद तक जो है 14 अप्रैल को हमने घोषणा भी कर दिया था, इस पर आपने चर्चा भी करा। लेकिन सर जो है ये जो किताब मैं तैयार करने लगा, इस किताब का जो निष्कर्ष उभर के आया उसके बाद से जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आइडिया ड्रॉप हो गई सर, खत्म हो गई। उसके जगह सर जो है उससे भी इफेक्टिव जो है एक आइडिया अपने सामने आई है वो है यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट बनाने की। यूनिवर्सल रिजर्वेशन का अर्थ होता है सर सर्वव्यापी आरक्षण, चप्पे चप्पे पर आरक्षण। अब तक जो है हमारे आरक्षण की लड़ाई सीमित रही है कहाँ तक, सरकारी नौकरियों में आरक्षण को बचाना है, प्रमोशन में आरक्षण देना है, न्यायपालिका में आरक्षण की हम बात करते रहे हैं, बहुत बात हम प्राइवेट सेक्टर पर। तो अब तक की लड़ाई हमारी कुछ सिलेक्टेड क्षेत्रों में आरक्षण की रही है सर, लेकिन अब जो है ये आपको
महिलाओं की को जो है आर्थिक समानता दिलाने के लिए, बहुजनों की गुलामी से मुक्ति के लिए, अब हम लोग जो है यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल फ्रंट माने प्रत्येक चप्पे चप्पे पर जो है आरक्षण की लड़ाई हम लड़ने की बात कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि क्यों ये लड़ाई, क्यों यूनिवर्सल रिजर्वेशन? उसका एक बैकग्राउंड है सर। बैकग्राउंड क्या है सर कि हिस्ट्री बतलाती है कि जिन जिन देशों में सर जो है लिबरेशन की लड़ाई लड़ी गई या आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वो लड़ाई मुख्यतः जो है आरक्षण को लेकर के लड़ी गई। मसलन अंग्रेजों के खिलाफ इंडियन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी सर, तो आप जानते हैं कि WH Hume और ये तमाम एलिट क्लास के लोगों ने ये ग्रुप बना करके अंग्रेजों के समक्ष अपनी अपनी समस्याएं रखते थे ताकि जो है उनको भी जो है सरवाइव करने का अवसर रहे। इसी क्रम में जो है धीरे धीरे जब 1885 में स्थापित कांग्रेस आगे बढ़ती है, तब 1992 में जा करके वो लोग सर जो है कुछ सेक्टरों में रिजर्वेशन की मांग करते कि आपके हाथ में तो सब कुछ है, प्लीज हमें भी जो है कुछ क्षेत्रों में दिया जाए। तो अंग्रेज जो है इनकी विनम्र मांग को देखते हुए आपका PWD नहीं, और मतलब भी कई पॉलिटिकल पार्टी का क्या सीन है ये बताइए, बाकी बात तो समझ चुके हैं, दोस्त लोग सुन चुके हैं, क्या तो हम चल लोग रहा तो है? वही हाँ ये लड़ाई। अब क्या है सर कि जो आपको बताया कि इस किताब में जो यूनिवर्सल रिजर्वेशन की फ्रंट की आइडिया आई है वो इतनी फैंटास्टिक है, उसके सामने पॉलिटिकल पार्टी की आइडिया को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। इसके तहत हम करने जा रहे हैं क्या, यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट के तहत सर, इस देश की वो ताकतें, इस देश की वो बुद्धिजीवी जो सर्व क्षेत्रों में सर्वव्यापी आरक्षण के हिमायती हैं, वैसे लोगों को लेकर के हम इस संगठन का निर्माण करेंगे। तो कॉमन इशू कि हमें हर क्षेत्र में हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि जो है 7 अगस्त 1990 के बाद से इस देश में जो वर्ग संघर्ष शुरू हुआ उसके तहत आरक्षण को ही खत्म कर दिया गया था। सदियों से इस लड़ाई आरक्षण को केंद्रित करते रही है। अब ठीक हम है, लोग नई जो चीज करना है वो सर्वव्यापी आरक्षण का, तो इसके लिए सर जो आप जैसे लोगों को लेकर के एक फ्रंट बनेगा, और ये फ्रंट जो है छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टियों को जोड़ करके उनको सपोर्ट करेगा। माने हम बुद्धिजीवी जो है करने जा रहे हैं क्या कि आने वाले दिनों में ये जो पॉलिटिकल पार्टियों का फ्रंट बनेगा उनको हम जो है अपने लेखन से जो है ये सपोर्ट करेंगे, उनके लिए मैदान में जाके भाषण देंगे, बाकी जो है एक अपना वो है सिग्नेचर कैंपेन है जिसके साथ हम लोग, तो हम लोग उनको आर्थिक मदद देंगे, हर तरह से ये करेंगे सर, ये प्लान है। ठीक है। 8, 9, 10 अक्टूबर रामविलास पासवान, कांशीराम और मुलायम सिंह यादव, ये 3 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों का परिनिर्वाण दिवस। आपने इनकी राजनीति को देखा है क्या, भारत की राजनीति और खास तौर से जो आप एजेंडा कह रहे हैं उस संदर्भ में देखे तो क्या एक बड़ी क्षति है इस तरह के नेता उभरेंगे भविष्य में? सर आपने अभी अभी याद दिलाया, मैंने इस नजरिए से देखा ही नहीं। आपने ये जो तीनों डेट बनाया तो मेरा ये रोंगटा खड़ा हो गया, मैं अंदर से हिल गया कि क्या कोइंसिडेंस है कि 8 को रामविलास पासवान जी जाते हैं, 9 को माननीय कांशी राम और 10 को जो है आज हमारे नेताजी उठे। ये तो जो है एक अजीब ये क्या होता है, तो ये बड़ी दुखद घटना है सर। बहरहाल अब फ्यूचर में जैसे मैं बताया कि आज जो है बहुजन समाज बिल्कुल गुलाम हो चुका है, और उसे जो है और कुछ ने छोटी मोटी रियायतों को छोड़ के अपनी गुलामी से मुक्ति की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और हम यदि अब समाज को तैयार करते हैं गुलामी से लड़ाई गुलामी से मुक्ति की लड़ाई के लिए, तो उसके लिए हमें आइकन जो है इन्हीं लोगों को बनाना पड़ेगा, रामविलास पासवान, माननीय कांशी राम, मुलायम सिंह यादव। इन्होंने सर बड़ी ही प्रतिकूल परिस्थितियों में, आज हम जो है बड़ा बड़ा सपना देख रहे हैं बहुजन समाज में एस्पिरेशन आया है, लेकिन जिस दौर में जो है रामविलास पासवान का उदय होता था उस जमाने में ये एस्पिरेशन नहीं था। वैसे जमाने में वो बंदा जो है साहस के साथ जो है JNU में और पूरे देश में जाकर के मंडल की रिपोर्ट लागू करवाने के साहस कितने बड़ करता है सर, उनको तो कोटि कोटि नमन, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। तो हम लोगों को प्रेरणा लेनी पड़ेगी, ये हमारे नायक रहेंगे। जी उसके बाद से आइए कांशीराम साहब, कांशीराम ने तो जमाने को बदल दिया, मैं तो उनको जो है ओ क्या कहूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है मैं भारत का उनको लीडिंग करता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से जो है हथियारों
हजारों साल के गुलाम समाज में जो है आपका शासक बनने का एस्पिरेशन पैदा किया, शासक बनने के जो तो दुनिया के इतिहास के सर जो अभूतपूर्व घटना है। कांसी राम तो मैं समझता हूँ कि जब तक इस देश पर बहुजनों का वजूद रहेगा वो हमारे नायक बने रहेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद। अब मुलायम सिंह यादव जी की बात करें सर, अद्भुत एक शख्सियत आज हमारे बीच से उठ गई, उनका क्या कहना मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव ने जो है आपका बहुजन स्टाइल का जो इम्पैक्ट छोड़ा है, असर छोड़ा है, लोगों से संवाद करना, लोगों से एक एक व्यक्ति का नाम याद रखना, साइकिल से गांव गांव ये सब जाके चेक करना, मुझे लगता है कि जो है अब आज की तारीख में दूसरा मुलायम सिंह होना बड़ा कठिन है। हालांकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब उतने पुराने जो चीज है उनका वो ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अद्भुत शख्सियत हमने खो दिया सर। मुलायम सिंह ठीक है। हाँ यादव के अगर समय दे तो 1 मिनट अपने मैं व्यक्तिगत स्मृति याद करना चाहूंगा। मैं सर 1990 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर एक टीवी सीरियल का प्रपोजल डाला। इस प्रपोजल को अप्रूव्ड करवाने के लिए मैं अनेक नेताओं से मिला, रामविलास पासवान से लेकर के तमाम। इसी क्रम में मेरी उनसे मुलाकात जो होती है आपका कलकत्ता के ग्रेट ईस्टर्न होटल में 1993 में होती है। अतरौलिया के वो आपका नेताजी वो जो है हमें ले गए मिलवाने के लिए। अरे सब क्या बतलाया जाए, मैं आप व्यक्तिगत अनुभव के आधार बतलाता हूँ, मैं नेताओं के संसर्ग में बहुत कम रहा हूँ, बहुत थोड़े नेताओं से मेरी निकटता है सर। मुलायम सिंह एज ए पर्सन कोई जवाब ही नहीं। कलकत्ता के ग्रेट ईस्टर्न होटल में मेरे जैसा एक अनजान व्यक्ति जो है, इतना बड़ा हॉल है, आजम खान उधर खड़े हैं, उधर जनेश्वर मिश्रा तमाम जो है लोग खड़े हैं, और बीच में मुलायम सिंह यादव और ईश्वर तुषार, वो जो है सिर्फ इसलिए उनको पता चला कि कोई बंदा है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर टीवी सीरियल बनाने की कोशिश किया था। 20 मिनट तक सर ये किया, ऐसा मेरे लाइफ में आज तक कोई नेता इतना समय नहीं दिया। सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद से बहुत गंभीर हुए, और क्या उनका प्रोडिक्शन था उस समय, ये क्या नाम, गठबंधन हुआ नहीं था लेकिन होने जा रहा था, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि मैं दुसाद के नाम से नहीं हरिलाल के नाम से जाना। उन्होंने कहा कि हरिलाल जी ये आने वाले दिनों में जो है हमारा एक ये होने जा रहा है, गठबंधन होने जा रहा है बसपा के साथ, हम क्वाइट कॉन्फिडेंट हैं कि हम सत्ता में आएंगे। तो कहते हैं सर कि जिस दिन मैं सत्ता में आया मैं चाहूंगा कि 1 सप्ताह के अंदर आप मुझसे मिले, मिलने के बाद से मैं जो है अंबेडकर पर जो आप टीवी सीरियल बनाने जा रहे हैं इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा और बात को आगे बढ़ाऊंगा सर। तो 20 मिनट उन्होंने जो दिया वो मेरे लिए तो ड्रीम है, मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट ये रहा सर कि किसी पॉलिटिशियन ने जो है एक लेखक को एक सामाजिक व्यक्ति को इतना महत्व दिया था व्यक्ति के तौर पर जो बड़ा। तो मैं कह रहा हूँ सर कि ये जो है ना अपनी अजीब याद दिलाया, मेरे मेमोरी में रहा ही नहीं, मतलब ये आपने जो बताया तो, और तमाम जो हमारे श्रोता है उनको ये डेट ख्याल रखना चाहिए कि 8 तारीख को हमारे रामविलास पासवान बैठ जाते हैं, 9 तारीख को और 10 को जो है त्रिमूर्ति जो है आपके जो है जो सामाजिक न्याय का आंदोलन चला, इस सामाजिक न्याय की जो टॉप थी ये त्रिमूर्ति में से एक है, इनके जो है इनके लिए हम लोग सदा ऋण रहेंगे, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज को जो है अपनी लिबरेशन की लड़ाई लड़ी लड़नी है, इनसे प्रेरणा लेकर के जो है अपनी लड़ाई लड़े चाहिए, मेरा तो यही कहना है। शुक्रिया सर। और दोस्तों, एच एल दुसाद साहब हैं, आपने बेबाकी से बहुत विस्तार से बहुत सारे इश्यूज पे आपने बातें सुनी, और खास तौर से त्रिमूर्ति 8, 9, 10, रामविलास पासवान, कांशीराम, मुलायम सिंह यादव, परिनिर्वाण दिवस, और उन निजी अपने संस्मरण भी सुनाए। पूरा वीडियो देखिए, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। आपके कमेंट्स का इंतजार हमें रहेगा। शुक्रिया, जय हिंद, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।